सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? चलिए भाई, तो क्लास 11 केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर का दूसरा पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हम सीखे हैं अलग अलग टाइप के इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्सेस, और हमने फिर किया था थर्मल एनर्जी, और हमने देखा था कि ये अट्रैक्शन फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बीच का इक्विलिब्रियम जो है वो डिसाइड करता है कि सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा। ओके, चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर में हमें मेनली बात करनी है अबाउट द गैसियस स्टेट, और एंड में हम बात करेंगे अबाउट द लिक्विड स्टेट, राइट? चलिए बच्चों, गैसेस की अगर आप बात करो तो गैसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर इमर्स्ड इन द ओशन ऑफ द गैसेस, है ना? हमारे आजू बाजू क्या है भाई, बहुत सारे गैसेस का समुंदर है जिसके अंदर हम हैं सब लोग, राइट? वी नो दैट कि हम बहुत ही पतले से एटमोसफियर के लेयर में रहते हैं, और उस पतले से एटमोसफियर के लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, राइट? ट्रोपोस्फियर के ऊपर का लेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे होता है ओजोन गैस, जो हमें किससे बचाता है भाई? अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, राइट? चलिए बच्चों, तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब हमें यहाँ पे गैसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड ऑल द थिंग्स, राइट? चलिए बच्चों, तो पहले तो ये देख लो कि आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से गैसेस कितने हैं, पता है आपको? तो देयर आर टोटल 11 एलिमेंट्स, देयर आर टोटल 11 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 11 ऐसे एलिमेंट है बच्चों जो गैस के स्टेट में होते हैं। पहला हो गया हाइड्रोजन, राइट? फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हैलोजन में दो गैस आएंगे बच्चों, दैट इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन, राइट? और फिर सारे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो इतने जो है ना बच्चों वो रूम टेम्परेचर पे आपको गैस के फॉर्म में देखने मिलेंगे, बाकी सारे या तो सॉलिड है या तो फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, गैसेस की कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो आप ऑलरेडी अवेयर हो उससे, राइट? यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सो नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस, चले सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चों, गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। पता ही होगा आपको, आप बलून में हवा भर के उसको जितना चाहे उतना दबा सकते हो, राइट? तो गैसेस जो है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है, गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत जगह होती है, आप इजीली उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो, राइट? चलिए बच्चों, दूसरी बात करेंगे, गैसेस जो है ना उसको ना फिक्स वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होता है, राइट? गैसेस को आप जिसमें भरोगे उस तरह का उसका शेप हो जाएगा, और जितनी जगह मिलेगी सारी जगह में गैस फैल जाएगा, मतलब गैस का खुद का वॉल्यूम फिक्स होता नहीं है, ठीक है? चलिए बच्चों, तीसरा पॉइंट, गैसेस इंटरमिक्स इन एनी प्रपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड, एनी प्रपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। दो गैस अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे, आपको कोई और काम करने का काम नहीं है, राइट? कोई भी और हेल्प के बिना गैसेस जो है वो अपने आप किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं, दैट इज समथिंग वी नो। चलिए बच्चों, चौथा पॉइंट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, राइट? गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब क्या है बच्चों के, अगर मान लो कि आपके पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर कोई गैस भरा है, राइट? तो सिलेंडर के अंदर आपने जो गैस भरा है ना बच्चों, वो गैस जो है वो सिलेंडर को हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाएगा, मतलब हर एक डायरेक्शन में प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, राइट? लिक्विड और सॉलिड में प्रेशर बॉटम पे ज़्यादा लगता है, गैस जो है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल ही प्रेशर लगाता है, ठीक है? चलिए बच्चों, एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, गैस डेंसिटी बहुत कम होती है, दे हैव वेरी लो डेंसिटी, राइट? गैस का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। हमें पता है गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो गैस अगर डेंसिटी, मैंने ऐसा लिखा है मास बाई वॉल्यूम, अगर गैस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा तो डेंसिटी इज़ वेरी लेस, ठीक है? अब बच्चों, अगर आप गैस को स्टडी करना चाहते हो ना, तो गैस के जो लॉस है या गैस के जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप बहुत ही ईजिली स्टडी कर सकते हो। गैस का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। रीज़न ये है कि गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्सेज जो है ना उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत कम होते हैं अट्रैक्शन फोर्सेज, राइट? तो गैसेस बिहेव वेरी सिंपली ड्यू टू नेग्लिजिएबल इंटरमोलेक्युलर, नेग्लिजिएबल इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्सेस, राइट?
ओके, तो ये हो गया बच्चों गैसेस के बारे में बेसिक डेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द गैस लॉस। चलिए बच्चों, गैस लॉ क्या है? तो गैस के जो प्रॉपर्टी है बच्चों, राइट, तो गैस के मेन कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? गैस का होता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, गैस के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ रिलेशन देखेंगे। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का इंटर रिलेशन देखेंगे, और वो जो इंटर रिलेशन है ना, उसी को हम कहते हैं गैस लॉस। सो इट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंटर रिलेशन, जिस इंटर रिलेशन को हम कहते हैं बच्चों गैसियस लॉ। चले ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गैस लॉ, दैट इज अ बॉयल्स लॉ। ओके चलिए भाई, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? तो आप सिंपल ध्यान रखो बच्चों, बॉयल, बॉयल मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, आप इस तरह से याद रखोगे, है ना। तो आपका लॉ ऐसा कहता है बच्चों के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या कॉन्स्टेंट रहेगा बच्चों यहाँ पे? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट, बॉयल्स लॉ में। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, राइट। चलिए पहले मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म दे दूं इसका। तो क्या लिखा है बच्चों, प्रेशर ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, बट क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए बच्चों? टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट, राइट। ये बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मान लो आपके पास एक बलून है, अगर आप बलून को कंप्रेस करोगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, अगर आप प्रेशर घटाओगे तो वापस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसा है? एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो। तो रूल कहता है बच्चों के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। चलिए बच्चों कॉन्स्टेंट रखते हैं यहाँ पे, ओके, दिस के इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, राइट, के इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, और वो किस पर डिपेंड करेगा? Which depends on temperature, amount of gas and unit of pressure and volume. आप pressure और volume को किस unit में express कर रहे हो? Right, there are multiple units जो हम आगे जाके देखेंगे, right? तो ये आपका हो गया बच्चों पहला law, P is equal to, या प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। चलिए मान लेते हैं बच्चों के एट टेम्परेचर टी, हमने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है, तो जब प्रेशर पी वन था तो वॉल्यूम वी वन था, जब प्रेशर पी वन था तो वॉल्यूम क्या था भाई? वी वन था, और जब प्रेशर को हमने चेंज करके पी टू किया तो वॉल्यूम हो चुका है वी टू, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा के पी वन इज इक्वल टू के बाई वी वन, बॉयल्स लॉ यूज कर रहा हूँ मैं, P इक्वल टू के बाई वी, तो P1 इक्वल टू के बाई वी वन एंड P2 इज इक्वल टू के बाई वी टू। चलो दोनों का रेशियो करें बच्चों, जैसे ही आप दोनों का रेशियो करोगे आपको मिलेगा P1 वन बाई पी टू, पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू, चले के कट हो जाएगा, यहाँ पे V1 नीचे आएगा V2 ऊपर जाएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज आपको पता होगी, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। तो अगर आपको गैस दो अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम पे दिया है, अगर टेम्परेचर उसका सेम है, टेम्परेचर सेम है, P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1 है, P2 प्रेशर पे वॉल्यूम V2 है, तो आप रिलेट करोगे बच्चों P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कैसे रिलेट करोगे आप? अब भाई रिलेट करोगे इसको P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हम रिलेट करेंगे इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से, इज इट क्लियर, राइट। और यहां से भी आप लिख सकते हो बच्चों प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू K, दैट इज कॉन्स्टेंट, राइट। इसका मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर तो बदलना ही नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो वी कैन आल्सो राइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट, गेट इट।
राइट, तो आप इस तरह से भी स्टेटमेंट को लिख सकते हो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और दो अलग अलग अगर सिचुएशन है तो P1V1 इक्वल टू P2V2। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, सिंपल से ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं। लेट्स सी, इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम, राइट, तो आई कैन सी हियर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर कैसा है भाई, यहाँ पे प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, राइट, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन में मतलब लाइन नीचे उतरेगी, ओके, और यहाँ पे आपका लाइन जो है वो कुछ इस तरह आएगा। दिस इज द ग्राफ, राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप देखो बच्चों, अगर एक आपका बढ़ा तो दूसरा क्या हो रहा है, घटेगा, ओके। लेट्स सी, दिस इज द टेम्परेचर T1, ओके, तो अब ये पूरा ग्राफ जो है ना बच्चों, उसमें टेम्परेचर सेम है T1, तो ऐसे ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट कराए जाते हैं उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं आइसोथर्म। तो याद रखना बच्चों, आइसोथर्म्स आर द ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म्स आर द ग्राफ्स प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसो इज कांस्टेंट, थर्म इज टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जो ग्राफ प्लॉट करोगे ना उसे हम कहते हैं बच्चों आइसोथर्म। क्या कहते हैं उसको, आइसोथर्म कहते हैं। चलिए, ये पूरे एक्सपेरिमेंट के वक्त टेम्परेचर T1 था, अब मैंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के वापस एक्सपेरिमेंट किया, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो गैस का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, गर्म करोगे ना गैस को तो प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, मतलब ये लाइन जो थोड़ी ऊपर जाएगी एट टेम्परेचर T2, T2 इज मोर देन T1, अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लाइन थोड़ी सी और ऐसे ऊपर जाएगी, राइट, एंड दिस ऑल आर द आइसोथर्म, बिकॉज सारे ग्राफ जो है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए गए हैं, ओके। इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ P versus 1 by V क्या होगा, इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ P versus 1 by V, ओके, तो यहां पे क्या दिख रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V, तो P versus 1 by V का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एंड दिस विल पास फ्रॉम द ओरिजिन। लेट्स से इट इज अ टेम्परेचर T1, इट इज अ टेम्परेचर T2, इट इज अ टेम्परेचर T3, राइट, तो P versus 1 by V का जो ग्राफ है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज P and 1 by V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो ओरिजिन में से पास होगा। बट ये ग्राफ जो है ना, जब आप हाई प्रेशर पे जाओगे, प्रेशर बहुत बढ़ा दोगे ना, तो फिर ये ग्राफ जो है वो डेविएट होने वाला है, राइट, तो आई विल जस्ट मेंशन इट हियर, दिस ग्राफ डेविएट एट हाई प्रेशर। रीजन आप आगे जाके सीखोगे, दिस ग्राफ डेविएट एट हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर करोगे तो फिर ये ग्राफ जो है वो डेविएट करने वाला है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो रिलेशन जो भी है वो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला लॉ, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉयल्स लॉ। अब एक और बात बच्चों, अगर आपने गैस को कंप्रेस किया, राइट, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया, ओके, तो जो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर थे वो डेफिनेटली एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, मतलब गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट, तो आप यहां पे डेंसिटी और प्रेशर को भी रिलेट करा सकते हो। देखिए किस तरह से रिलेट करेंगे उसको, चलो तो रिलेट करते हैं बच्चों प्रेशर एंड डेंसिटी को, और फिर ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस का मतलब है प्रेशर इज इंक्रीज्ड, राइट, द मोलिक्यूल्स विल कम क्लोजर, द मोलिक्यूल कम क्लोजर एंड they occupy less space, they occupy less space, hence अगर पास पास में आ गए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, hence डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, राइट। चले बच्चों, तो हमने जो रूल पढ़ा वो कुछ ऐसा था, प्रेशर इज इक्वल टू के बाय वॉल्यूम। नाउ आई वॉन्ट टू रिलेट दिस विद द डेंसिटी, तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा बच्चों, मुझे इतना पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, राइट, सो आई कैन राइट दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, है ना, ये वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी, लेट्स पुट इट हियर, तो पी इक्वल टू के डिवाइड बाय मास बाय डेंसिटी, मैंने वॉल्यूम की जगह रखा मास बाय डेंसिटी, चले डेंसिटी ऊपर आ गया, ओके, अब इतना ध्यान रखना मास कभी बदलता नहीं है, क्योंकि हमने गैस को ना बाहर डाला है ना अंदर डाला है, हमने एक्स्ट्रा गैस कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये मास कैसा रहता है, कांस्टेंट, ये के भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये दोनों के दोनों टर्म कांस्टेंट है, लेट गिव इट नेम एज के डैश, राइट, तो आपके पास क्या रिलेशन बन गया बच्चों, रिलेशन बन गया प्रेशर इक्वल टू के डैश इनटू डेंसिटी,
ओके, और यू कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, राइट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूरे में कॉन्स्टेंट है, बॉयल्स लॉ है, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, दिस इज व्हाट वी कैन सी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना गर्मी बहुत है ना, और अगर पंखा ज़्यादा फास्ट कर दिया ना तो फिर आवाज़ आएगा, इसमें बहुत नॉइज़ आता है, और एसी का भी अभी कुछ ऐसी ही हालत है, बहुत नॉइस आ रहा है एसी का भी। चलिए कोई नहीं, कोप अप कर लेंगे इसके साथ। चलिए प्रॉब्लम नंबर 5.1, अ बलून इज फील्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। एक बलून है, लेट्स से इट इज अ बलून, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा गया है एंड इट इज एट रूम टेम्परेचर। इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 bar, अगर इतना प्रेशर हुआ ना तो बलून फट जाएगा। ओके, नाउ इफ एट 1 bar प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई 2.27 liter, तो आपको एक कंडीशन दिया है, प्रेशर अगर 1 bar है, लेट्स गिव इट नेम एज P1, अगर प्रेशर 1 bar है तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 2.27 लीटर होगा। एट P1 प्रेशर द गैस विल ऑक्यूपाई 2.27 liter, राइट। एट P1 प्रेशर द गैस विल ऑक्यूपाई 2.27 liter, ओके। चलिए, तो आपको ये पूछा है कि अगर आप 0.2 bar पे ये बलून फट जाएगा तो आप इसको मैक्सिमम कितना एक्सपांड कर सकते हो, मतलब आप प्रेशर कितना करना चाहते हो 0.2 bar, तो गैस कितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, अगर प्रेशर 0.2 बार है तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे पूरे के अंदर टेम्परेचर बदला नहीं है, बलून इज एट रूम टेम्परेचर ओनली, सो आई विल राइट हियर, एट कॉन्स्टेंट रूम टेम्परेचर, बॉयल्स में अप्लाई करो, ओके। चलिए, बॉयल लॉ कहता है कि भाई P1V1 इज इक्वल टू P2V2, चलिए वैल्यू डालेंगे बच्चों, P1 इज 1, V1 इज 2.27, P2 इज 0.2 इंटू V2, यू वांट टू फाइंड दिस V2, V2 इज इक्वल टू 2.27 by 0.2, ओके। चलिए आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आपका आंसर आएगा 11.35 liter, मतलब आप बलून को 11.35 liter जितना एक्सपांड कर सकते हो तब तक वो नहीं फटेगा, अगर इससे ज़्यादा आपने एक्सपांड किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बलून फट जाएगा, फिर 0.2 bar तक ही बलून सह सकता है, उसके बाद बलून फट जाएगा। इज इट क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों पहला लॉ जिसने रिलेट किया प्रेशर एंड वॉल्यूम को। अब बारी है दूसरे लॉ की, दैट इज अ चार्ल्स लॉ, लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों आ गया चार्ल्स लॉ, चार्ल मतलब राजा, इंग्लैंड के राजा को चार्ल्स कहते हैं ना, ओके, और राजा करता है प्रेशर, तो इसीलिए चार्ल्स लॉ में प्रेशर कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, राइट। तो दो साइंटिस्ट थे बच्चों, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव द हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी, वो बलून में उड़ के ऊपर जाता है ना, राइट, उसकी टेक्नोलॉजी को वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे वर डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द गैसेस, एंड दे ऑब्जर्व दैट कि यू हैव द फिक्स क्वांटिटी ऑफ द गैस एंड इफ द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बलून और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस, वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, मतलब गैस को गर्म करने पे ना गैस का वॉल्यूम बढ़ा, गैस को गर्म करने पे गैस का वॉल्यूम बढ़ा इफ यू कीप द प्रेशर कॉन्स्टेंट, राइट। तो व्हाट दे ऑब्जर्व इज, दे ऑब्जर्व एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या कॉन्स्टेंट है भाई, प्रेशर कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने आपको समझाया चार्ल्स राजा है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी of gas is directly proportional to its absolute temperature, to its absolute temperature, राइट। चलिए मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, राइट। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट आपको ये लिखना है कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और आपके पास अगर फिक्स क्वांटिटी में गैस है तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम घटेगा, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसका प्रूफ क्या है वो, तो दे ऑब्जर्व दैट विथ ईच डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाई 1/273 part
वन अपन टू सेवेंटी थर्ड पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने देखा कि अगर गैस के टेम्परेचर को एक डिग्री जितना प्लस माइनस किया ना, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, 1/273 पार्ट ऑफ वॉल्यूम जो जीरो डिग्री पे है उतना चेंज होगा। देखो मैं आपको मैथमेटिकल बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स से इट इज अ टेम्परेचर एंड इट इज अ वॉल्यूम। सो लेट्स से एट जीरो डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इज वीओ। जीरो डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, वीओ है। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री वॉल्यूम हो जाएगा, वीओ तो है ही, और वीओ में कितना बढ़ेगा, वीओ का 1/273 पार्ट और बढ़ जाएगा, राइट। मतलब हर एक डिग्री पे इतना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना होगा, वीओ तो होगा ही और साथ में 2 टाइम्स ये बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाते टी डिग्री सेल्सियस किया बच्चों, राइट, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वीओ तो रहना ही है जो जीरो डिग्री पे था, और साथ में 1/273 टाइम्स वीओ कितनी बार बढ़ेगा, टी टाइम जितना बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक डिग्री पे कितना बढ़ता है, 1/273 वीओ बढ़ता है, तो टी डिग्री बढ़ाने से इसका टी गुना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बराबर। मतलब टी टेम्परेचर पे जो आपका वॉल्यूम है, कैन यू सी इट, ओके यू कैन नॉट सी इट, आई विल राइट इट हियर ऑल्सो, एट टी डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज इक्वल टू वीओ, अब दिख रहा है ना, प्लस VO by 273 जो है वो हर एक डिग्री पे बढ़ता है, हमने टेम्परेचर T डिग्री बढ़ाया है तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा, हर एक डिग्री पे VO by 273 बढ़ेगा, तो T डिग्री बढ़ाने से आपका T अब मल्टीप्लाई कर लोगे, करोगे T मल्टीप्लाई, राइट। तो आपका वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, लेट्स कॉल इट एज VT, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, लेट्स कॉल इट एज VT, वो कितना हो जाएगा बच्चों, VO प्लस T VO by 273, let's take VO common, right? बाकी LCM ले लो, 273 plus T divide by 273, मैंने ले लिया LCM, right? तो मुझे कुछ ऐसा मिला बच्चों के VT by VO is equal to 273 plus T divide by 273, this is what I obtained. अब यहाँ पे हम टेम्परेचर का एक नया स्केल लाएंगे, right? और उस टेम्परेचर के नए स्केल में ये जो है ना, this is the value related to T degree Celsius. T डिग्री सेल्सियस के रिलेटेड आपका ये वैल्यू होगा नए स्केल में, एंड दिस इज द वैल्यू रिलेटेड टू द जीरो डिग्री सेल्सियस इन अ न्यू स्केल, राइट। ओके, तो एक नया टेम्परेचर स्केल डिफाइन किया गया बच्चों, दैट इज केल्विन टेम्परेचर स्केल, जो आप पहले से जानते हो, राइट। सो ऑन न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर आपका जो T डिग्री सेल्सियस था ना, राइट, टी डिग्री सेल्सियस जो आपका सेल्सियस स्केल में था, वो नए स्केल में हम कहेंगे टी, कैपिटल टी लिखेंगे उसको हम, एंड दैट विल बिकम 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, और जो आपका जीरो डिग्री सेल्सियस था, वी विल राइट दिस एज टी जीरो, दैट इज ओनली 273, राइट। तो नया टेम्परेचर स्केल बनाया गया, और नए टेम्परेचर स्केल में बच्चों इसको लिया गया टी केल्विन, और ये है आपका जीरो केल्विन, राइट। क्या है बच्चों, ये आपका जीरो केल्विन के, जीरो डिग्री सेल्सियस के रिलेटेड आपका ये वैल्यू है, राइट। तो अब आपका जो रूल है वो आगे कैसे बढ़ेगा बच्चों, चलिए लास्ट में खत्म करेंगे इसको, ओके चलिए बच्चों देखिए ध्यान से। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वी टी बाई वी ओ इज इक्वल टू, ये आपका डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है केल्विन यूनिट में, टी डिग्री सेल्सियस केल्विन में इतना हो जाता है, राइट। तो इसे हम लिखेंगे केल्विन टेम्परेचर ऑफ टी डिग्री सेल्सियस, और ये है आपका जीरो डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, दैट इज 273 केल्विन यू आर अवेयर अबाउट, टी जीरो, राइट। ओके, और ये जो आपका नया स्केल बनाना बच्चों, इस स्केल को हम कहते हैं केल्विन स्केल, या इसे हम कहते हैं बच्चों एब्सोल्यूट स्केल, या इसे हम कहते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक स्केल, टी डी इज थर्मोडायनेमिक स्केल, राइट। और जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में गैस के ऊपर काम करो ना, आपको ऑलवेज टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, दिमाग में डाल लो ये बात, टेम्परेचर आप ऑलवेज किस में रखोगे, केल्विन में ही रखोगे जब भी आप गैस पे काम करोगे तब, ओके। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या दिख गया आपको, VT by VO इक्वल टू TT by TO, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्या आ गया बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बट वो कौन सा टेम्परेचर है बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज केल्विन टेम्परेचर, राइट। तो इसीलिए मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था, देखो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके पूरे प्रोसेस में हमने प्रेशर चेंज होने नहीं दिया है, राइट। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द फिक्स क्वांटिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है बच्चों केल्विन टेम्परेचर, राइट। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन, आया आपको यहाँ समझ में आया है।
ये जो टी डिग्री प्लस 273 उसको हम नए स्केल में कहेंगे कैपिटल टी टेम्परेचर, और ये 273 को हम नए स्केल में कहेंगे जीरो, राइट, जीरो डिग्री सेल्सियस के रिलेटेड ये टेम्परेचर है नए स्केल में, और इस स्केल को हम कहते हैं केल्विन स्केल। तो ये हो गया आपका केल्विन इन केल्विन ऑफ टी डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया आपका केल्विन ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमने लिखा टी टी, इसको हमने लिखा टी जीरो, लाइक दिस, राइट। तो ये हो जाता है बच्चों आपका कौन सा लॉ है भाई, ये है आपका चार्ल्स लॉ, ओके। चलिए अब मैं यहां पे लिखता हूं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो, तो आप यहां पे कोई कांस्टेंट डाल दोगे बच्चों स्मॉल के, सिंपल एज दैट, ओके। लेट्स से आपके पास दो कंडीशन है बच्चों, एट सम कांस्टेंट प्रेशर पी, एट सम कांस्टेंट प्रेशर पी, राइट। मान लो कि पहले आपका वॉल्यूम वी वन था, तब आपका टेम्परेचर टी वन था, फिर आपका वॉल्यूम वी टू हुआ तो टेम्परेचर कितना हुआ, टी टू हुआ। तो इस रूल के हिसाब से आप क्या लिखोगे बच्चों, चलो बहुत सिंपल है, रूल के हिसाब से आप लिखोगे वी वन इज इक्वल टू के टी वन एंड वी टू इक्वल टू के टी टू, टेक द रेशियो वी वन बाई वी टू इक्वल टू टी वन बाई टी टू, दिस विल बी द रेशियो, राइट। दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है ना भाई वो टेम्परेचर को कैसा है, मुन्ना लोग, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके चलो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, लेट अस प्लॉट द ग्राफ एंड देन लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। चलिए छुटकू सा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो वी विल प्लॉट द ग्राफ, ओके। दिस ग्राफ इज ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर रखना है केल्विन में, ओके। तो रूल बहुत सिंपल सा है बच्चों कि अगर आप वॉल्यूम को, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, राइट। मतलब ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, ना ना मुन्ना ना, दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, ओके फाइन। लेट्स कंसीडर यहां पे हमने प्रेशर को जो है ना वो पी वन रखा है, हमने यहां पे प्रेशर पी वन रखा है बिकॉज ये चार्ल्स लॉ में आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कांस्टेंट है, ये लाइन को कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया गया है, और जो ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ किया जाता है ना उसको ही कहते हैं आइसोबार, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। तो ये जो ग्राफ है ना बच्चों इसे कहते हैं आइसोबार, आइसोबार, राइट। तो आइसोबार इज ग्राफ प्लॉटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ग्राफ प्लॉटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ प्लॉट होता है ना बच्चों उसे कहते हैं आइसोबार, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, वापस एक्सपेरिमेंट किया, राइट। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब ग्राफ जो है वो नीचे आएगा, वॉल्यूम घटेगा ना तो ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो मैंने थोड़ा प्रेशर बढ़ा के वापस एक्सपेरिमेंट किया, दिस पी टू इज मोर देन पी वन, और प्रेशर बढ़ाया, वापस एक्सपेरिमेंट किया, आपको ऐसा ग्राफ मिला, ओके। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट जब ये सारे ग्राफ को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया गया ना, राइट, जब ये सारे ग्राफ को बच्चों आपने पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड किया, राइट, तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट के सारे ग्राफ जो है ना वो यहां पे आके मिले, ओके फाइन। अब ये ग्राफ जो है ना वो मैंने केल्विन के लिए ड्रॉ किया है, अगर यही सेम ग्राफ आप सेल्सियस के लिए ड्रॉ करो तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे मैं आपको सेल्सियस का ग्राफ दिखाऊंगा, लेट्स सी इट केयरफुली, ठीक है। चलिए तो सेल्सियस का अगर आप ग्राफ लोगे बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, देखो मैंने स्मॉल टी लिखा है, मतलब ये डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है, ओके। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही पैटर्न मिलेगा आपको, सेम टू सेम, दिस काइंड ऑफ द पैटर्न यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज दैट प्रेशर पी वन, दिस इज दैट प्रेशर पी टू, दिस इज दैट प्रेशर पी थ्री, पी थ्री इज मैक्सिमम, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा होगा वॉल्यूम घटेगा, ग्राफ नीचे आएगा। अब जब इन सब ग्राफ को नीचे की तरफ प्लॉट किया गया तो वो सब एक कॉमन पॉइंट पे आके मिले, राइट। और जब ये कॉमन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर से ऑब्टेन किया गया ना, इट वॉज फाउंड दैट ये टेम्परेचर जो है ना वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चों वो टेम्परेचर, -273.15 डिग्री वो सेल्सियस है, जिसको हम केल्विन स्केल पे कहते हैं जीरो केल्विन, जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिला था केल्विन स्केल पे जीरो केल्विन, राइट। तो जीरो केल्विन जो है वो सेल्सियस स्केल पे कितना होता है, -273.15 होता है, एंड जीरो केल्विन वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। ऐसा टेम्परेचर जहां पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा उसे कहते हैं बच्चों हम कौन सा टेम्परेचर, जीरो केल्विन। तो यहां पर डिफाइन करेंगे बच्चों जीरो केल्विन,
तो जीरो केल्विन ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, ओके। और ये जीरो केल्विन जो है ना वो सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जब चार्ल्स लॉ के ग्राफ प्लॉट किए गए वॉल्यूम वर्सेस सेल्सियस के, आपको इस तरह से पैटर्न मिले, और इस पैटर्न को जब पीछे की तरफ पोलेट किया गया तो सब एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे थे, और वो पॉइंट जहां पे वॉल्यूम जीरो हो चुका है, और वो पॉइंट स्केल से कितना मिल रहा था, -273.15 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था, जिसको हम केल्विन स्केल पे कहते हैं बच्चों जीरो केल्विन, समझे। तो ये हो गया बच्चों आपका एंटायर डिस्कशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, ओके। चलिए इस चार्ल्स लॉ से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, बहुत ही एलिमेंट्री आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। एक ऐसा कहा है कि अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन वेयर द टेम्परेचर इज 23.4, अ बलून इज फिल्ड विद अ 2 लीटर एयर, हमने 2 लीटर एयर एक बलून के अंदर भर दिया है, वॉट विल बी इट्स वॉल्यूम वेन द शिप रीचिज इंडियन ओशन वेयर द टेम्परेचर इज 26.1। तो पैसिफिक ओशन में जो टेम्परेचर है कॉल इट एज T1, दैट इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर चाहिए होता है केल्विन में, 273 प्लस करो, राइट। ये हो गया आपका केल्विन, टेम्परेचर कितना होगा 296.4 केल्विन। तब आपका वॉल्यूम कितना था, बलून आपने जो भरा था उसका 2 लीटर वॉल्यूम था, तो V1 इज इक्वल टू 2 लीटर, व्हेन द टेम्परेचर इज T1 वॉल्यूम इज V1। नाउ इन अदर इंडियन ओशन द टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन कन्वर्ट करो, 273 प्लस करेंगे, चलिए कितना होगा बच्चा ये 299.1 केल्विन। तब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, राइट। तो पूरे प्रोसेस में आपका बलून जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, तो प्रेशर तो एटमॉस्फेयरिक रहने वाला है, मतलब प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एज द प्रेशर इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट यू कैन यूज द चार्ल्स लॉ। और अब भी हमने देखा बच्चों चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1 by V2 इज इक्वल टू T1 by T2। चलिए V1 कितना है बच्चों, V1 है 2 लीटर, V2 फाइंड करना है, T1 है 296.4 और T2 है 299.1। चलिए आप जैसे इसको सॉल्व करोगे बच्चों आपका वॉल्यूम आ जाएगा 2.018 लीटर, कितना आएगा 2.018 लीटर, मतलब जो बलून है ना उसका वॉल्यूम थोड़ा फूल जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम ऑफ 2.018 लीटर यार, ओके। समझ आया आपको इतना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या है नेक्स्ट। चलिए बच्चों तीसरा आ गया गैल्यूसेक लॉ। तो बॉयल लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, तो गैल्यूसेक लॉ में तीसरा बचा हुआ वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एक सिंपल सा बच्चों एग्जांपल है, जब आप टायर में हवा भरते हो ना, ओके, तो आप नोटिस करोगे बच्चों के समर में वो टायर का प्रेशर बढ़ जाता है, समर में टायर का प्रेशर बढ़ जाता है, एंड ऑन दी अदर हैंड विंटर में टायर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो एयर है अंदर या जो गैस है उसके प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है, ओके। तो रिलेशन बहुत सिंपल सा है बच्चों, रिलेशन ऐसा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज directly proportional, pressure of fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. यहाँ भी Kelvin temperature लेना है बच्चों, absolute temperature, right? Okay, तो simple सा rule है बच्चों, अगर आप gas को एक simple container में ले लो, अगर आपने एक container ले लिया, container fixed है मतलब volume change होने वाला नहीं है, अगर आप gas को गर्म करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, गैस को गर्म करोगे तो अंदर जो गैस है उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, और बहुत गर्म किया तो फट जाएगा फिर वो फाइनली, है कि नहीं, सिंपल है एकदम, राइट। तो आई विल डायरेक्टली राइट हियर दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो मैंने कैपिटल टी लिखा है, कैपिटल टी केल्विन टेम्परेचर है, और कॉन्स्टेंट क्या रखना है बच्चों, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखना है, राइट। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे गैस का उतना प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ने वाला है, ओके। चलिए कॉन्स्टेंट रखेंगे बच्चों, दो कंडीशन ले लीजिए, P1 इज इक्वल टू KT1, P2 इज इक्वल टू KT2, टेक द रेशियो ऑफ दिस टू,
व्हाट यू विल गेट, पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। चलिए जैसे ही आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, आई कैन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, कुछ इस तरफ आने वाला है। लेट्स से इट इज अ ग्राफ एट वॉल्यूम बी वन। चलिए अगर आपने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम आप थोड़ा बढ़ा दो, कंटेनर बड़ा कर दो, तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। प्रेशर डाउन होगा मतलब ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। सो बी टू इज मोर देन वी वन। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको सिंपल सा रिलेशन मिलने वाला है बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। तो हमने आज क्या रिलेट किया बच्चों, हमने रिलेट किया सिंपली रिलेशन ऑफ द प्रेशर विथ टेम्परेचर, प्रेशर विथ वॉल्यूम, टेम्परेचर विथ वॉल्यूम। ओके, तीन लॉ हमने सीखे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड दिस गैलियुसेक्स लॉ। ओके, चलिए अभी और दो लॉ बचे हुए हैं, दैट इज द एवोगैड्रोज लॉ। ओके, और इसके बाद आता है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन एंड कंबाइंड गैस इक्वेशन, बट दैट आर द थिंग्स ऑफ द नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में बस हम यहाँ तक ही करेंगे, अच्छे से इसको आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।